आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल कैपेचिनो घर पर। ये बनाने के लिए मैंने जो 2 रुपीज़ वाले कॉफ़ी के पैकेट आते हैं वो 2 कॉफ़ी के पैकेट लिए हैं, और साथ ही मैं 2 टेबल स्पून शुगर लूँगी। इन पैकेट से मेज़रमेंट बिल्कुल ठीक रहता है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी, और फिर हम इसे इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में बीट करते रहेंगे। हम इसे जल्दी जल्दी इसी तरीके से बीट करेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट होने लगेगी तो इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है। हम इसे इसी तरीके से बीट करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज होने लगा है और इसके कलर में येलोनेस आने लगी है। हम इसे इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में बीट करते रहेंगे। ये लगभग 2 से 3 मिनट में अच्छे से बीट हो जाती है। ये देखिए, ये हमारी ऑलमोस्ट जो है वो कॉफ़ी बीट हो चुकी है। अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरीके से और बीट करेंगे। आप देखिए कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुकी है। बस अब हमें करना है मिल्क को गर्म। मिल्क अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम लेंगे मैंने एक ग्लास कप या कप जिसमें भी आपको कॉफ़ी पीनी है, उसके बाद हम 1 टेबल स्पून भरकर उसके अंदर कॉफ़ी ऐड करेंगे और उसके बाद ऊपर से हॉट मिल्क ऐड करेंगे, और ये हमारी गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं दिखने में ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए।